हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिया गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है रिपीटेड स्ट्रिंग। आज हम इसे सोल्व करने की ट्राई करेंगे। सो प्रॉब्लम इज लाइक लाइला हैज़ अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर डेट इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स गिवन इंटीजर एन फाइंड द प्रिंट एंड द प्रिंट द नंबर ऑफ लेटर इज इन द फर्स्ट एन लेटर्स ऑफ लाइलाज इनफाइनाइट स्ट्रिंग। For example, if a string S is A B C A C and n is equals to 10, the string we consider is A B C A C A B C A C. The first 10 character of her infinite string has 4 occurrence of A in the strings. Okay, Laila ke paas ek string hai aur use wo infinite times repeat karana chahti hai, jaise usne ek number diya hua hai n. उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एन इज इक्वल्स टू 10 है और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है ए बी सी ए सी जिसमें 5 लेटर्स हैं, उसे इस स्ट्रिंग को 10 लेटर करना है, तो ये उस स्ट्रिंग को रिपीट करा देगी और स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी सी ए सी ए बी सी ए सी। और उसे बताना है कि उस स्ट्रिंग में इनफाइनाइट जो उसने स्ट्रिंग बनाई है उसमें कितने ए आ रहे हैं। ओके, इसके बाद फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, जरूरत नहीं पड़ती इसकी। इनपुट फॉर्मेट है, द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल स्ट्रिंग एस, द सेकेंड लाइन कंटेन एन इंटीजर एन। ओके, एस जो हमारा है वो 100 के बीच में होगा जो स्ट्रिंग की लेंथ है, और एन होगा 10 to the power 12। ओके, हमें यहाँ पे साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हम लॉन्ग लॉन्ग इंट लेंगे। ओके, फॉर 25% ऑफ टेस्ट केस एन इज लेस देन इक्वल टू 10 to the power 6। ओके, आउटपुट फॉर्मेट है, प्रिंट अ सिंगल इंटीजर डोनेट द नंबर ऑफ लेटर्स ए इन द फर्स्ट एन लेटर ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिंग क्रिएटेड बाय रिपीटिंग एन एस इनफाइनाइट मैनी टाइम्स। ओके, हमें सिंपल आउटपुट में देना है कि स्ट्रिंग में कितने ए आए हैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग जो हम बनाएंगे। ओके, तो इसके एक एग्जाम्पल देखिए क्या, आई थिंक कोई जरूरत नहीं है। ओके, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा से बढ़ा कर लेते हैं और फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसे हटा देते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल डालेंगे इसमें। ओके, मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ में क्या क्या हम कर रहे हैं। इंक्लूड stdio.h #, इंक्लूड हम स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे हैं तो हमें string.h भी लेनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद हमें सीधा मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन के बाद हम अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। इसने कहा है 100, आई थिंक मैक्सिमम लेंथ 100 है तो हम 100 ही ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई अपना जो स्पेसिफाई नहीं किया है साइज, इसलिए हम 100 ले लेते हैं। और इसके बाद लॉन्ग इंट हम इसमें एन ले लेते हैं जिसने कहा है, और लेट से एक और ले लेते हैं एक्स, इसको हम स्टोर करा लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो लास्ट में अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो तब ले लेंगे। ओके, हमें आई थिंक और जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हम बाद में उसको डिक्लेयर करेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं गेट एस से। ओके, एस ओके ए ले लिया है हमने यहाँ पे, इसको हम एस ले लेते हैं। स्ट्रिंग को हम इनपुट कराएंगे एस से, और इसके बाद में स्कैन एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल लॉन्ग डी ऐसे लेंगे, और एड्रेस ऑपरेटर एन। इसके बाद में सिंपल हम क्या कराते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन है ए इज इक्वल्स टू, और ओके हमें एक इंटीजर लेना पड़ेगा, इंटीजर में ले लेते हैं ए। ए में हम स्टोर कराएंगे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए फंक्शन होता है strlen, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन होता है, और इसमें हम डाल देंगे एस को, जिससे हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में कितने ए आते हैं, बेसिकली हम यही देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें कितने ए हैं। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, फोर लूप लगाते हैं, फोर लूप। ओके,
आई भी डिक्लेयर कर लेते हैं, ऊपर ही कराते हैं अगर यहाँ पे कराएंगे तो। फिर उसके बाद अगर लूप के बाद हमें फिर वापस से डिक्लेयर कराना पड़ेगा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई की वैल्यू नहीं क्योंकि हम स्ट्रिंग पे वर्क करते हो, एस को देखेंगे, जो एस का आई एथ इंडेक्स है इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए बैक स्लैश ज़ीरो के। ये हम बैक स्लैश ज़ीरो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसका जो बैक स्लैश ज़ीरो होता है वो टर्मिनेटर, जब हम स्ट्रिंग टर्मिनेट कराते हैं उसके लिए होता है, और हमेशा हर स्ट्रिंग के लास्ट में बैक स्लैश ज़ीरो होता ही है। इसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट कराएंगे, आई को इंक्रीमेंट कराने के बाद एक कंडीशन लगाते हैं हम, इफ़ कंडीशन, हमारी स्ट्रिंग के जो आई एथ इंडेक्स पे है अगर वो इक्वल है ए के, देन हम क्या कराएंगे, एक इंटीजर ले लेते हैं, लेट्स से पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इनिशियलाइज कर लेते हैं इसे स्टार्टिंग में ही। हम क्या करेंगे, हम पी को इंक्रीमेंट करा देंगे, जितने भी हमारे ए होंगे अगर कोई ए है हमारे स्ट्रिंग में उसे इंक्रीमेंट करा देंगे, और हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे कितने ए स्ट्रिंग में लाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या कराना है हमें, और हम एक काम और करते हैं, स्टोर करा लेते हैं जो हमारा एन है उसे स्टोर करा लेते हैं एक्स में, एक्स इज इक्वल्स टू एन। बताएंगे अभी क्यों कराया है, क्योंकि लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है कुछ चीज़ों की। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू हमने एन में करा दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि हमारी कितनी स्ट्रिंग बनेगी, जो हमारी टोटल लेंथ है एन लेंथ है उसमें हमारी कितनी स्ट्रिंग बनेगी। बेसिकली हम स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से देखेंगे, लेट्स से अगर हमारे पास एक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 3 है और हमारे पास एन की वैल्यू 10 है, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, तो हमारे पास तीन स्ट्रिंग पूरी पूरी हमें उसमें बनानी पड़ेंगी, बैक टू बैक स्ट्रिंग रखनी पड़ेंगी। जैसे ए बी सी है तो हम ए बी सी रखेंगे, फिर ए बी सी रखेंगे, फिर ए बी सी रखेंगे, हमारे पास 9 लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें एक ए लेना पड़ेगा, तो हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन ए, क्योंकि हमारे इसमें स्ट्रिंग की लेंथ पड़ी है। और एक काम और करते हैं, हमने ये कर दिया है, अब ये देख लेते हैं कि इसमें हमारी जब एक्स तक है, लेट से मैंने बताया अभी ए बी सी ए बी सी ए बी सी में हमारा ए एक बार आया है, और हमने इसे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने फोर लूप लगाई है इसमें हमने कैलकुलेट भी कर लिया है कि हमारी जो स्ट्रिंग है ए बी सी उसमें कितने बार रहे हैं, हमारा ए एक बार ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि जैसे हमारी स्ट्रिंग बनेंगे यहाँ पे 3 ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अगर हम एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो पी की वैल्यू है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग में कितने ए आए हुए हैं। एक्स इज इक्वल्स टू ले लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई पी। ओके, हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, और हम अभी हमें देखना है कि हमारे पास कितनी चीज़ें बची हुई हैं। हमारे पास अब लास्ट वाले में ए बी सी था, जैसे हमारे पास ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और हमारे पास अभी एक बचा हुआ है ए जो लास्ट में आएगा, और हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी लेंथ 10 की। बट हमें अभी देखना होगा कि हमें कैसे करना है, उसके लिए हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रिंग में लेंथ कितनी बचती है। तो एन जो हमने हमारा है, एन इज इक्वल्स टू लिख लेंगे एन मोड्यूलो डिवाइड कर देंगे, किससे, हम सिंपली ए से डिवाइड कर देंगे, और हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग में कितने एक्स्ट्रा अभी बचे हुए हैं। जैसे हमारे पास एन इज इक्वल्स टू 10 था और हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 3 थी, तो हम अगर हम 10 को 3 से मोड्यूलो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास अभी स्ट्रिंग में एक लेटर और चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस हम देखेंगे कि उस लेटर में जो हमें एक लेटर चाहिए क्या उसमें भी कोई ए लाई करता है, अगर कोई ए लाई करता है तो फिर हम उसे हमारे अपने पी को इंक्रीमेंट कराएंगे। हम नहीं पी को नहीं कराएंगे क्योंकि हमने पी तो हमने नॉर्मल स्ट्रिंग में देखा था, हम एक्स को इंक्रीमेंट कराएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें हमें पता लग गया है कि हमारे पास कितने एज हैं। इसके बाद हम एक फोर लूप लगाते हैं। फोर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई की वैल्यू लेस देन एन होगी यहाँ पे अब की बार, और हम आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें देखना है कि इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कंडीशन लगाई हमने और देखा अगर हमारी स्ट्रिंग की आई एथ इंडेक्स इक्वल है ए के,
देन हम क्या करेंगे, हम अपने एक्स को इंक्रीमेंट करा देंगे। और सिंपल इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो एक्स है उसे प्रिंट करा देना है। प्रिंट एफ लगाते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। ओके, क्या हुआ, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी लगाएंगे, परसेंटाइल डी, और एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। एंड लास्ट में हमारा इंट से स्टार्ट किया तो रिटर्न करा देते हैं 0 को, वैसे हमें ज़रूरत नहीं होती रिटर्न कराने की, बट ओके। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे स्ट्रिंग एस नाम से है आई थिंक। प्रोग्राम एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ओके, एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होगी तो उसे हम सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमें यहाँ पे लिखना होगा लॉन्ग लॉन्ग डी। अब रन करा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है नहीं। ओके, टेस्ट केस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम सबमिट कराते हैं। आई थिंक सबमिट भी हो ही जाएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम का फोटो चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको नीचे मेंशन हो रही होगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जितने मेरे प्रोग्राम हैं आपको सभी के फोटोज वहाँ पे मिलेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई थिंक हो जाए। ओके, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, अगर थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो।